गाइज, अगर आप 2023 में डेनमार्क मूव होना चाहते हो, वो भी वर्क वीजा पर, तो ये आपके लिए काफी गुड न्यूज है। जहाँ दोस्तों डेनमार्क ने अनाउंस कर दिया डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट वीजा। जहाँ दोस्तों अगर आप डेनमार्क मूव होना चाहते हो और 4 से 5 साल तक आप वर्क वीजा पर रहकर काम करना चाहते हो डेनमार्क के अंदर, तो काफी गुड न्यूज है आपके लिए। गाइज, यहाँ पर लगभग 1 लाख प्लस यहाँ पर जॉब है इस टाइम पर, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और आप डायरेक्टली डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट वीजा ले सकते हो। गाइज, इस टाइम पर यूरोप के किसी भी कंट्री का आप वीज़ा उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इस टाइम पर जो मोस्ट ट्रेंडिंग वीज़ा है वो है डेनमार्क का वर्क वीज़ा। जहाँ दोस्तों इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कैसे आप डेनमार्क का वर्क वीज़ा ले सकते हो, कौन कौन से ऑक्यूपेशन है जिनमें आप राइट नाउ अप्लाई कर सकते हो, और कैसा आपको ये वीज़ा मिलेगा, क्या इसका प्रोसेस है, कितना एजुकेशन और कितना एज लिमिट आपका होना चाहिए अगर आप डेनमार्क मूव होना चाहते हो 2023 में। सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर दोनों ही कैटेगरी के वर्कर के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, और साथ में जानेंगे इस वर्क वीज़ा का कॉस्ट क्या है और कैसा आप इंडिया से या फिर नेपाल, बांग्लादेश या फिर किसी भी कंट्री में अगर आप काम करो, लाइक सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, या फिर आप सऊदी में जॉब करो, या फिर आप बहरीन में हो, या फिर आप दुबई में काम करो, गाइस किसी भी कंट्री से आप इस वर्क वीज़ा के लिए बड़े ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, एंड चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। गाइस, डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड सैलरी भी दोस्तों अगर आप डेनमार्क में जॉब करते हो तो मिनिमम 3-4 लाख पर मंथ आप बड़े ही आराम से कर सकते हो। सो गाइस, डेनमार्क कंट्री का जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन, और यहाँ पर दोस्तों जो करेंसी चलता है उसका नाम है डेनिश क्रोन, और एक क्रोन का जो वैल्यू है वो है इंडियन रुपीस में, अगर एक डेनिश क्रोन को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू है वो है 12 रुपीज़। यहाँ दोस्तों एक डेनिश क्रोन इंडिया के 12 रुपये के बराबर है। बात करें दोस्तों डेनमार्क के नेबर कंट्री के बारे में, डेनमार्क का नेबर कंट्री है जर्मनी। सो फाइनली यहाँ पर हम बात करते हैं डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट वीजा है क्या, और इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से। सो गाइस, डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट वीजा एक ऐसा वीजा है जिसके थ्रू दोस्तों फॉरेन वर्कर को हायर किया जा रहा है, यानी कि अगर आप डेनमार्क से बाहर किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका इंडिया, पाकिस्तान या फिर किसी भी गल्फ कंट्री में आप काम कर रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वर्कर की काफी ज्यादा शॉर्टेज है। तो यहाँ पर दोस्तों दो कैटेगरी में इस वीजा को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको हम दो कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। एक है दोस्तों स्किल्ड वर्कर की लिस्ट, जिसमें दोस्तों इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल आते हैं या फिर डॉक्टर्स हुआ, इस तरह की जो जॉब्स है वो लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास हाई एजुकेशन है। उसके बाद दोस्तों सेमी स्किल्ड कैटेगरी की यहाँ पर जॉब से ऑक्यूपेशन में जिनमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप वेटर, वेटरेस, शेफ का काम आप जानते हो, किचन हेल्पर हो, या फिर आप दोस्तों क्लीनर हो, या फिर आप वेयरहाउस वर्कर हो, लॉजिस्टिक में आप काम करना चाहते हो, दोस्तों हर एक कैटेगरी की यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है। तो कौन कौन से ऑक्यूपेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, इस वर्क वीजा का जो कॉस्ट है वो है 4,670 डेनिश क्रोन, जिसको आप इंडियन रुपीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 54 या फिर 55,000 इंडियन रुपीज होता है। ये इसका वर्क वीजा का कॉस्ट है जो कि आपको ही पे करना पड़ेगा। अब कोई एम्प्लॉयर ऐसा होता जो अच्छा होता वो खुद से ये वर्क वीजा की जो कॉस्ट है वो पे कर देता, लेकिन सारे एम्प्लॉयर एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है जो आपका एम्प्लॉयर रहेगा, अगर वो ठीक ठाक बंदा है तो आपको दोस्तों वो वर्क वीजा की जो कॉस्ट है वो पे करने के लिए नहीं बोलेगा, वो खुद की जेब से इसको पे कर देगा। और साथ में दोस्तों काफी एम्प्लॉयर ऐसे भी होते हैं जो कि आपको फूड, फ्लाइट, अकोमोडेशन, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वर्क वीजा के लिए कौन कौन एज ग्रुप के लोग है जो कि अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर आपका एज 18 to 55 ईयर के बीच में है तो आप डेफिनेटली इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, गाइस अगर आपका एजुकेशन +2 है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर आपको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगा। अगर आपका एजुकेशन 6-7 क्लास है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टीज आपके लिए हो सकता है, लेकिन अगर आपका एजुकेशन 10 या फिर +2 है तो डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब। तो गाइस, सबसे पहले आपको डेनमार्क में एक जॉब सर्च करना है। जैसे आपको जॉब मिलेगा आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक होगा आपको गाइस ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऑफर लेटर आपके पास में होना चाहिए पासपोर्ट, PCC, मेडिकल, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट साइज फोटो, और साथ में आपके एजुकेशनल जो भी डॉक्यूमेंट है, और साथ में आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में है। तो गाइस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट बुक करना है, और वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, और वहीं पर आपका वीज़ा कॉस्ट जो है वहाँ पर आपको पे करना, वहीं से आपको ये वर्क वीज़ा
मिल जाएगा। तो गाइस ये है इसका सिंपल सा प्रोसेस। तो इट मीन्स गाइस सबसे पहले आपको ऑफर लेटर लेना पड़ेगा किसी भी डैनिश कंपनी से, जो भी डेनमार्क के अंदर कंपनी है वहां पर आपको पहले अपना सीवी सेंड करना है और वहां से ऑफर लेटर लेना, उसके बाद में आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस फर्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पर आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा डेनमार्क में। तो दोस्तों अगर आप कोई भी ऑक्यूपेशन की जॉब यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपके पास में एक प्रोफेशनल हाई क्वालिटी का सीवी कवल्टर होना चाहिए। इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में सीवी कवल्टर नहीं है या फिर आपसे जॉब अप्लाई करना नहीं आता तो इसके लिए आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए एंड फॉलो कर लीजिए। और अगर आप जॉब अप्लाई कराना चाहते हो या फिर सीवी कॉल्टर बनवाना चाहते हो मेरे थ्रू, तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस चलते स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कैसे आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 1 मंथ। जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ के अंदर आपको यहाँ पर वर्क वीजा मिल जाएगा डेनमार्क का। और इसका जो फी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ये है डैनिश क्रोन 4670 डैनिश क्रोन, ये आपका फ़ी है जो आपको पे करना पड़ेगा। इसको दोस्तों आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही तरह से आप अपने वर्क वीज़ा का प्रोसेस करा सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर डाउट दूर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल के लिए कौन कौन से जॉब्स है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और पर्सनल सर्विस वर्कर यानी कि शेफ के लिए यहाँ पर जॉब है, और पर्सनल केयर वर्कर के लिए है, सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट की यहाँ पर जॉब निकली हुई है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बिल्डिंग एंड रिलेटेड ट्रेडर्स जो है वो भी आप देख लीजिए, ब्रिकलेयर्स के लिए यहाँ पर जॉब है, कारपेंटर के लिए यहाँ पर जॉब है, बिल्डिंग पेंटर एंड डेकोरेटर के लिए भी यहाँ पर जॉब निकली हुई है, और लैंडस्केप गार्डनर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में काम करना चाहते हो गार्डनर का जॉब है, जो पौधे होते हैं गार्डन के अंदर वो सब कटिंग वगैरह करना। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो वेल्डर के लिए जॉब है, स्टील मेटल वर्कर के लिए जॉब है, इंडस्ट्रियल टेक्नीशियन के लिए जॉब है, CNC ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जॉब है, एग्रीकल्चर मशीनरी मैकेनिक क्रेन ऑपरेटर एग्रीकल्चर के मशीन जो चलाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर जॉब्स निकली है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिशियन की भी यहाँ पर जॉब है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्रिएट कैश ऑर्डर आईडी, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये फर्स्ट स्टेप है, आपका नेम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर, ईमेल आईडी, आर यू एग्जाम फ्रॉम पेइंग फी, येस और नो में आपको आंसर देना, कैन बी एग्जाम फ्रॉम पेइंग जो चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्रिएट कैश ऑर्डर आईडी कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आता है पे द फी, जो वर्क वीजा का फी है उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली पे कर सकते हैं। कैश आई डी यहाँ पर आपको ऐड करना, पेमेंट स्टेटस यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में गैदर डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेड फी, जो आपने फी पे की है उसकी रिसिप्ट यहाँ पर चाहिए। और उसके बाद कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो चाहिए इनको सारे पेजेस की, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और जॉब ऑफर लेटर जो कि आपको एम्प्लॉयर से मिलेगा, इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका। सबसे पहले आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा डेनमार्क के अंदर और वहीं से आपको ये जॉब ऑफर लेटर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एजुकेशन रिलेवेंट टू द जॉब ऑफर्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फिर एजुकेशन है वो सब यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट ऑफ पार्ट ऑफ योर सेल लिस्ट, ये यहाँ पर आपको प्रिंट निकाल लेना। उसके बाद में कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूज़ द ऑनलाइन फॉर्म AR1, यूज़ द ऑनलाइन फॉर्म AR6, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं और बाद में आप इसको यहीं पर अपलोड कर सकते हैं और आपके सिग्नेचर वगैरह यहाँ पर हो जाएंगे और डायरेक्टली आपको सबमिट कर देंगे। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर ऊपर आपको बताया वो आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी। फिर बायोमेट्रिक्स आपके होंगे, बायोमेट्रिक्स में आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे, सिग्नेचर होंगे, उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना रिसीव एंड आंसर। आप यहाँ पर थोड़ा वेट करना और विद इन 1 or 2 weeks के अंदर यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपका वर्क वीज़ा यहाँ पर डन हो जाएगा और आपको यहाँ पर स्टाम्प होकर आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये एक मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर, ये भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी। एंड गाइज जो डेनमार्क का पॉजिटिव लिस्ट भी है इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कैसे आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 4 ऐसे जॉब पोर्टल के लिंक ऐड कर दिए जिन पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर जॉब पोर्टल ओपन हो जाएंगे और वहाँ पर आप जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हो वो वहाँ पर सर्च कर लेना और आपको जॉब मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया है jobindex.dk, यहाँ पर मैंने वेयरहाउस वर्कर का जॉब सर्च किया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने सारे यहाँ पर जॉब्स निकले हुए, वेयरहाउस वर्कर के लिए यहाँ पर जॉब है, वेयरहाउस सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर जॉब्स है और जितनी भी ये कंपनीज यहाँ पर आपको शो हो रही है ये गाइज आपको 90% चांस है ये आपको स्पॉन्सर करेगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर काम क्या करना है, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देख लीजिए, एंड पैकिंग का आपको काम करना है, लोडिंग एंड अनलोडिंग ट्रक्स, सेटिंग अप, अरेंजिंग इन्वेंटरी,
वेयर हाउस क्लीनअप, ये सारी ड्यूटीज आपको करनी है। कंपनी यहाँ पर आपको स्पॉन्सर करेगी और कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, विकार्ड टीके यहाँ पर कंपनी का नाम है। और यहाँ पर बहुत सारे गाइस इस तरह के जॉब निकले हुए, इनके लिए आप डायरेक्टली सीवी कॉल बनवाइए और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको अपना सीवी यहाँ पर ड्रॉप करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको करना नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको सीवी कॉल बनाना है और यहाँ पर आपको ड्रॉप कर देना है इनको सीवी, और ये लोग रिव्यू करेंगे आपका सीवी, और इनको अगर सीवी आपको पसंद आता है तो उसके बाद आपको एक ईमेल करेंगे, ईमेल पर आपको रिप्लाई करना, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू अरेंज करेंगे, उसके बाद में गाइस ये लोग आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देंगे, आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगा। तो क्रिएट एंड स्टार्ट एप्लीकेशन जाना और यहाँ पर सीवी कॉल यहाँ पर आपको ऐड कर देना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको गार्डनर का जॉब भी मिल जाएगा और जितने मेरे जॉब्स होते हैं वो सब यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएंगे। आप यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है डेनमार्क के वर्क वीजा के बारे में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, और जो भी आपके क्वेरीज है वहाँ पर मेरे से पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से बात कर सकते हो। तो चलिए गाइस इस वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।